So hey YouTube, welcome back to our channel. It's your boy Stan C. So boys, आज का जो ब्लॉग है आज हम शूट कर रहा हूँ शिमला से. आज मैं शिमला में हूँ, मैक्सिमम 4-5 दिनों के मैं शिमला में हूँ भाइयों के साथ पीजी में आया. आज मैं पीजी में हूँ. फिलहाल पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि आपको कहाँ कहाँ घुमा, चर्च गए, चर्च से फिर मॉल रोड वगैरह जहाँ जहाँ भी गए थे दिखा जाता. फिलहाल आज हूँ मैं अभी मैं रूम पे ही हूँ यार. तो भाई वगैरह अभी गए अभी कॉलेज को, तो मैं अकेले हूँ रूम पे यार. एंड जो सीन हो रखे है ना बाहर से मेरे लिए लगा रखा है लॉक, एंड मैं हूँ यहाँ पे अंदर पीजी में. अकेला इंसान होगा तो बोर तो हो गया यार, फोन भी कितना चला लेगा यार. एंड आपको मैं साथ ही साथ में आपको यहाँ रूम टूर भी कराऊंगा पीजी का, क्या क्या सीन है. हाँ तो रूम टूर भी कराएंगे आपसे अभी इसके बाद, तो देखते हैं. बाकी आप बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में एंड एंजॉय करो. तो भाई सबसे पहले यार मैं रूम पे अकेली हूँ यहाँ पे, तो साथ साथ ही यार जो थोड़ा बहुत काम है उसको कर लेते हैं. जो बिस्तर वगैरह इसको फोल्ड कर देते हैं. तो लेट्स चेक इट. हमने अभी बिस्तर वगैरह सब कुछ फोल्ड कर दिया है रूम पे. बाकी करना क्या है यार, जितना थोड़ा छोटा मोटा काम है उसको कर लेते हैं. तो अब हम आपको कराते हैं रूम टूर पीजी का. यहाँ पे और भी होते हैं बंदे, यहाँ पे आशीष भैया होते हैं, अनिल भैया, गौरव भैया, एक भाई और होते हैं, तो चार बंदे होते हैं वो इस रूम पे यहाँ पीजी पे. तो फिलहाल जो गौरव भैया और अनिल भैया वो आपको ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखते यार क्योंकि वो सुबह ही चले जाते हैं, 7-8 बजे निकल जाते हैं रूम से. तो हाँ यही है. तो अभी आपको रूम टूर कराते हैं फिर चलो. अच्छा पहले आप जैसे आप अंदर को आओगे ना तो आपको यहाँ एक चारपाई एंड इधर एक बेड, ठीक है, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा पीजी में. एंड फिर आपको अंदर को जाओगे तो यहाँ पे आपको किचन, ये किचन है फिलहाल, ये थोड़ा जो भी है सामान वगैरह. एंड इधर इनके बैग्स वगैरह रखे हुए, किचन तो है नहीं, जो खाना वगैरह वो बाहर से ही आ जाता है इनके लिए यहाँ पे बना के. एंड इधर कवर्ड मिल जाएगा आपको अलमीरा, जहाँ आप सामान वगैरह अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं. फिर उससे अंदर जाओगे आप, यहाँ पे आपको वॉशरूम, तो यहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल हो जाएगा. एंड इसके बाद अभी मेरे पास कपड़े भी हैं यहाँ पे थोड़े बहुत धोने के लिए, आश्रय चले गए. जैसे आप अंदर को आओगे यहाँ फिर आपको दो बेड यहाँ पे मिल जाएंगे. तो बाकी ये सीन है, आज मैं परसों आया ना, शादी से पहले मैं भी यहाँ पे लड़कियाँ रहती थी इस पीजी में ना, तो जब मैंने ये देखे यहाँ भाई यार लड़कियों का रूम हो गया, यहाँ भाई वगैरह रहते हैं ना, गौरव भैया और अनिल भैया का रूम है ये वाला. तो इसके साथ इधर भी कवर्ड वगैरह के लिए है, बुक्स वगैरह रख सकते हो आप, कपड़े वगैरह. एंड इसके साथ आप बाहर बालकनी देखने को मिल जाएगी आपको ये. एंड यहाँ से व्यू इधर का दिखता है, एंड इधर से तो भाई साहब बिल्डिंग है मुँह के सामने. एंड इधर पार्क का व्यू दिखने को मिलेगा आपको. तो हाँ बस यही है. तो ये था रूम टूर अंदर का. एंड इधर आपको अभी ये भी है यार, थोड़ा इसको भी समेट लेते हैं फिर यहाँ पे अभी मैं सोया हुआ था ना, यहाँ चार्जिंग पॉइंट है. फिर अभी मैं वीडियोस वगैरह एडिट कर रहा था यहाँ पे. आपको यहाँ पीजी में जो है अगर दो चार बंदों के लिए इजीली आ जाते हैं चार बंदे पीजी में यहाँ पे. तो बाहर दो रूम है, उससे अंदर को किचन है, उससे अंदर वॉशरूम है, एंड फिर यहाँ पे एक रूम और है, ठीक है. तो मतलब बढ़िया है यार, चार बंदों के लिए कम्फर्टेबल है. ये देख सकते हो आप यहाँ बाहर ही बाहर है, एक रूम फर्स्ट रूम अंदर है, तो फिर उसके साथ यहाँ पे किचन एंड यहाँ पे वॉशरूम एंड यहाँ पे फिर रूम. तो ये है आपका पीजी रूम. तो हाँ गाइस, अगर आप शिमला में आते हो पीजी वगैरह अगर आप अरेंज करते हो तो हाँ आपको एक बंदे के लिए अवेलेबल हो जाएगा पीजी बढ़िया. एंड अगर 4-5 बंदे हैं तो उनके लिए बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगा. एंड जो खाने का सीन रहता है वो भी बाहर से बन के आता है, सुबह दिन को और शाम को बाहर से ही आता है खाना वगैरह जितना भी है. एंड मैं भी यार क्या करूँ फिलहाल, अभी फ़ोन वगैरह अभी मेरे पास बैटरी नहीं है, फिर फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अंदर कपड़े वगैरह उनको भी धो लेंगे. सो ये काम है, छोटे मोटे काम जितने भी इनको निपटा लेते हैं. फिर उसके बाद अगर भाई वगैरह आएंगे फिर थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे चौक को. हाँ मैं आपको बता दूँ जो ये पीजी है ये है अन्ना डील के साथ, एंड इसके साथ नीचे कॉलेज भी है. तो हाँ यहीं पे जो है पीजी लिया भाई वगैरह, यहाँ से जो है इजीली रह जाता है नीचे के लिए भी, कॉलेज को जाने के लिए भी, एंड ऊपर लाइब्रेरी है उधर के लिए भी. सबसे पहले मैं जो ना अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा लेता हूँ, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, चार्जिंग में लगा लेते हैं. 2000 years later. अभी रेस्ट करने के बाद टिफिन पहुंच चुका है, अभी खाना वगैरह खा लेते हैं. मैं सोया हुआ था यार, फोन चार्जिंग में लगाया था, तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं यार, फिर बात करते हैं आपसे उसके बाद.
दाल है। और फिर यही सीन है कि खाना वगैरह जो है ना बाहर से आ जाता है, तो अभी लंच कर लेता हूँ यार, फिर बात करते हैं यार से। एंड भाई वगैरह तो है नहीं है, मैं अकेले हूँ, फिर खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे। मेरा भी अगर सो के उठाओ तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट सी लग रही होगी आपको, फिर भी काम भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा उसको भी कर लेंगे। रोज ये रहा खाना एंड या फुल के, तो लंच कर लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। फ्रूट अभी खाना वगैरह खा लिया है एंड अब जो काम है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा काम, एंड अभी थोड़े बहुत कपड़े उनको धो लेता हूँ मैं भी, तो चलते अभी खाना वगैरह तो खा लिया। अब यहाँ पे जो कपड़े थोड़े बहुत इनको धो लेता हूँ मैं, ब्याह वगैरह पता नहीं कब आएगी, कब पहुँचना है, 4 बजे तक वो भी आ जाएगी, फिलहाल तब तक मैं धो लेता हूँ। साबुन वगैरह तो लगाया हुआ है पहले से, सिर्फ मतलब पानी के बीच धोने हैं। बस फाइनली अभी 4-5 कपड़े थे ये, तो ये धो लिए, अभी इनको डालते बाहर सुखाने के लिए बालकनी में, अभी धूप भी लगी हुई है तो ठीक है। फाइनली गाइस ये हमने यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए रख दिए, एंड यहाँ से जो व्यू दिखता है लिटरली काफ़ी प्यारा व्यू दिखता है, पार तक आप देख सकते हो। अगर ये बिल्डिंग नहीं होती है यहाँ पे फिर तो इससे भी और भी गच वाला व्यू आ रहा था आगे को, जिस तरह से आप इधर पार्क को देख सकते, इधर पार्क को उतना खास नहीं आता जितना इधर को आता है पार्क की तरफ। अभी चलते अंदर यार, तो कपड़े वगैरह धोए सुखाने के लिए भी डाल दिया, एंड मैं भी यार सुबह से हाथ मुँह वगैरह कुछ नहीं धोए, ऐसे ही सुबह से सोया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले खाना वगैरह खा लिया, तो अभी थोड़ा नहा लेते हैं फ्रेश हो जाते हैं, फिर अभी पानी गर्म हो चुका है अब नहा लेते हैं। जो बटन है वो यहाँ पे, जो बोर्ड है वो यहाँ पे, आई गजब। A few moments later. So guys, finally अभी एक नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, एंड अभी थोड़ी देर बाद भाई वगैरह भी आ जाएंगे, फिर निकलते हैं घूमने, एंड अभी बॉल वगैरह बनाते हैं सही से। बाकी आज पूरे दिन रूम पे ही था यार मैं, बाकी कहीं गया नहीं क्योंकि वहाँ से लॉक लगा हुआ है मेरे लिए, एंड लॉक लगा हुआ इसलिए है क्योंकि PG में यार अलाउड नहीं होते ना, जो बाहर के पर्सन होते हैं अलाउड नहीं होते। फिर मेरे को घूमने तो जाना नहीं था, घूमने वगैरह मैं कल परसों काफ़ी घूम गया यार, तो आज मन भी नहीं था, तो बाहर से लॉक लगा रखा था मेरे लिए। A few moments later. So finally guys, ये रहे आशीष भाई, 4:30 बजे पहुंच चुके हैं हमारे साथ कामटा भाई यहाँ पे जो शर्मा रहे हैं जो कि शर्मा रहे हैं, एंड भाई साहब अभी पहुंचे थोड़ी देर पहले। A few moments later. अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, एंड इसके बाद अभी जाना हमारे घर के लिए, एंड हमारे साथ है यहाँ पे कामटा भाई, तो क्या ले आओगे? कामटा एकदम मस्त सो रहा है। सब सही फ्रॉड बंदा कौन है? कौन है? अंकुश कामटा। अंकुश कामटा जी सबसे फ्रॉड बंदा आपको पता है, देख लेना आपने आज 3-4 दिन हमने देखा। कैसा बंदा है? नहीं आपको ठीक लगा, आप कैसे लगते हैं? एकदम फ्रॉड बन। स्टूड लेट मी जस्ट टेल यू, आज आ रहा हूँ मैं घर को, तो अभी जा रहे हैं ऊपर चौक की ओर, बस मिल जाएगी हमारे को, तो फिर चलते यार फटाफट। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत।